रात को हर किसी के दरवाजे पर एक दस्तक होती। लोग अब इस दस्तक से डरने लगे थे और डर के मारे कोई आवाज सुनकर भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था और ना ही उठकर देखने भी जाता कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। हर रोज आधी रात को हर घर की दस्तक पर एक ही आवाज आती, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे राघव, ये रोज रोज कौन है इस इलाके में जिसे आधी रात में ही लड्डू खाने की भूख लगती है? साधु संत भिखारी सब दिन में मांगने आते हैं, पर तुम्हारे इलाके में पहला भिखारी देख रही हूँ जो रात को मांगने आता है और रोज एक ही चीज मांगता है, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ। ना ही तुम उठकर उसे कुछ देने जाते हो और ना ही कोई और, ऐसा क्यों? अरे वो कोई भिखारी या संत नहीं है जिसे आधी रात को भूख लगती है, वो कोई चुड़ैल या पिशाचनी है, तभी आधी रात को मांगने आती है। कोई आम इंसान होती तो दिन के समय आएगी ना, इतनी अकल नहीं है तुम्हारे पास? अरे चुड़ैल होती तो वो लड्डू क्यों मांगती? कभी सुना है किसी चुड़ैल भूत या पिशाच के बारे में कि उसे लड्डू पसंद हो? वो खौफनाक ताकत तो खून और मांस के भूखे होते हैं, ना कि लड्डू पेड़े के। इन दोनों की ऐसी ही बहस चलती रही। बात ये थी कि राघव इस मोहल्ले में सालों से रह रहा था, पर सोनी की शादी राघव से कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वो इस मोहल्ले में नई थी, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ चुड़ैल का रात को लड्डू मांगना आम बात थी लोगों के लिए। पर डर के मारे सब लोग सिर्फ सुनते ही थे, किसी ने उठकर कभी देखने की हिम्मत नहीं की कि लड्डू मांगने वाली चुड़ैल देखने में कैसी है। फिर अगली रात, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। कोई जवाब न मिलने पर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई और फिर से वही दोहराने लगी, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। फिर एक एक करके वो सारे घरों के दरवाजों पर जाती है और एक ही चीज दोहराती। हर रात वो बिना लड्डू के ही वापस आ जाती, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसने ये नियम बनाया हुआ था। एक दिन सोनी सोचती है, क्यों ना आज मैं सोने से पहले लड्डू दरवाजे पर रख दूं? बेचारी कोई हर रात लड्डू मांगती है पर कोई उसे देता नहीं है, क्या पता लड्डू खाकर वो मांगना बंद कर दे। पर राघव को बोलूंगी तो वो नहीं मानेंगे, किसी बहाने से बोलती हूँ। फिर सोनी राघव को फोन करती है, सुनो राघव, आज आते समय रात को लड्डू लेते आना, मेरा बहुत मन है लड्डू खाने का। नहीं नहीं, सिर्फ लड्डू ले आना। फिर रात को सोनी सोने से पहले चुपचाप घर के बाहर लड्डू रख देती है और रोज की तरह सब खा पी कर सो जाते हैं। फिर लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे आज ये लड्डू किसने रखे? किसका घर है ये? चलो कोई अच्छा इंसान लगता है, चलो आज की खोज यहीं खत्म हुई। चुड़ैल आधा लड्डू खा लेती है और आधा वहीं रखा छोड़ देती है। फिर सुबह सोनी दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे ये आधा लड्डू यहीं छोड़ गई वो मांगने वाली। लगता है भले घर की है कोई, जितनी इच्छा होगी खा लिया उतना बेचारी ने। इससे पहले कि राघव देखे, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। पर तुरंत ही राघव भी बाहर आ जाता है। अरे सोनी, तुम सुबह सुबह बाहर खड़े होके क्या कर रही हो? तुम्हें तो सबसे पहले चाय पीनी होती है ना? कुछ नहीं, बस यूं ही सोचा आज ताजी हवा खा लूं फिर चाय पियूं। अच्छा तुम नहा लो, मैं चाय बनाने जाती हूँ। और नजरें चुराते हुए सोनी रसोई में चली जाती है। फिर दिन में, कल पहली बार सुकून की नींद आई मुझे, उस चुड़ैल ने दस्तक जो नहीं दी कल रात, वरना उसकी आवाज सुनते सुनते और खरखराहट से रोज नींद खराब होती है। पर मेरे घर दस्तक हुई थी रात को, तेरे घर कैसे नहीं हुई? हो सकता है उसे मनचाही चीज मिल गई हो या फिर उसका मन बदल गया हो, इसलिए बीच से ही चली गई। जो भी है, सुकून भरी रात निकली कल की। सोनी फिर रात को एक लड्डू दरवाजे पर रख कर सो जाती है और रात को चुड़ैल रोज की तरह आती है, पर लड्डू दिखते ही आधा खाकर आधा वहीं रख कर चली जाती है और वो आधा लड्डू सोनी खा जाती है सुबह राघव की डांट से बचने के लिए। अरे आजकल लड्डू वाली चुड़ैल नहीं आ रही, क्या चक्कर है, कहीं मरवड़ तो नहीं गई? तभी रेखू भागे भागे आती है, अरे बहनों तुमने सुना, दूसरे मोहल्ले में भी आजकल लड्डू मांगने वाली चुड़ैल का खौफ चल रहा है। अच्छा तभी आजकल यहाँ सुकून की रात बीत रही है, तुम लोगों ने तो इस बेचारी का मजाक बना लिया है, क्या पता वो भूखी रहती हो या कोई मजबूरी हो उसकी, मेरे सामने ये सब बातें मत करो। और वो तनतनाती हुई गुस्से में अपने घर में आ जाती है। अरे विमला, ऐसा भी क्या लगाव है इसे चुड़ैल से जो उसकी बुराई न सुनी जाती इससे, जब भी बात करो उसके बारे में अलग ही तेवर होते हैं इसके तो, जैसे कोई सगी संबंधी हो। फिर आधी रात को राघव पानी पीने के लिए उठता है। अरे
सोनी कहाँ चली गई? रात को तो यहीं सोई थी। सोनी, सोनी, अरे कहाँ हो तुम? राघव पूरा घर छान मारता है पर सोनी कहीं नहीं मिलती। अरे कहीं वो चुड़ैल मेरी सोनी को खा तो नहीं गई? जरा बाहर जाके देखूं तो। दरवाजे पर उसे आधा लड्डू रखा दिखता है। आधा लड्डू? ये किसने रखा यहाँ? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? सोनी गायब है, दरवाजे पर लड्डू रखा है। अब इस समय मैं किससे मदद मांगूं? सब घोड़े बेच के सो रहे होंगे। तभी एक हल्ला सुनाई पड़ता है जो कि दूसरे मोहल्ले से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। अरे लड्डू वाली चुड़ैल के पीछे मेरी बीवी भी भागी जा रही है, कोई रोको उसे वरना वो भी चुड़ैल न बन जाए कहीं। हैं, बीवी चुड़ैल के पीछे? धन्यवाद भाई, आप इस समय मेरी मदद के लिए आए, वरना आज तो मैं अपनी बीवी से हाथ धो बैठता। राघव फिर सोचता विचारता अपने घर वापस आता है और वो देखकर दंग रह जाता है। अरे ये सोनी कैसे भुक्कड़ों की तरह लड्डू खा रही है? और ये तो थोड़ी देर पहले थी नहीं यहाँ, क्या चल रहा है ये? अरे सोनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ गई थी तुम? और ये इतनी रात को इतने सारे लड्डू खा रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, और ये इतने लड्डू आए कहाँ से? सोनी लाल आंखों से तिरछी निगाहों से राघव को घूरती है। ये रूप देखकर राघव डर जाता है। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। फिर सुबह। अरे भाई सुना, अगले मोहल्ले की खबर आई है कि उनकी बीवियाँ लड्डू वाली चुड़ैल के पीछे जाती हैं और अपना आपा खो देती हैं। कितनों की तो बीवी वापस मिली ही नहीं, जिन्होंने आवाज लगा के रोक लिया तो रोक लिया, वरना बीवी गायब। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे मोहल्ले में भी तो चुड़ैल कब से लड्डू मांग रही है, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कभी। ओहो, क्योंकि हम लड्डू देते नहीं ना। उस मोहल्ले में उनकी बीवी बाहर चुड़ैल के मांगने पर लड्डू देने चली जाती थी और फिर ये सब होने लगा। फिर रात को। अरे सोनी सुनो, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो कल जल्दी उठ जाना, नाश्ता बना देना। ठीक है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को राघव जब उठता है तो फिर सोनी को गायब पाता है। राघव सोनी को पूरे घर में आवाज देते हुए ढूंढता है पर सोनी कहीं नहीं मिलती। राघव घर के बाहर देखने जाता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है। अरे आज ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? रोज तो मैं खुद बंद करके सोता हूँ, लगता है जल्दी मैं खुला छोड़ दिया मैंने कल रात। तभी उसकी नजर वहीं पर रखे आधे लड्डू पर पड़ती है। राघव उसी समय गलियों में सोनी को ढूंढने लगता है। वो यहाँ वहाँ सोनी को हर जगह ढूंढता रहता है पर वो नहीं मिलती। राघव टेंशन में घर आता है तो देखकर दंग रह जाता है। अरे सोनी ये तो घर पे ही है, पर मैंने तो पूरे घर में देखा था, तब तो कहीं नहीं मिली, पर ये कर क्या रही है? सोनी फिर से ढेरों लड्डू खा रही होती है, वो भी भुक्खड़ों की तरह, जैसे कभी उसने लड्डू देखे ही ना हो। राघव को ये सब बहुत अजीब लगता है। सोनी बस उसे गुस्से की निगाहों से देखती है और फिर लड्डू खाने लगती है, फिर जाकर कमरे में सो जाती है। सोनी के सोने के बाद राघव देखता है तो वहाँ ढेरों लड्डू रखे होते हैं। ये क्या माजरा है, मेरे तो सर की नस फट जाए लगता है। रात को सोनी का व्यवहार कितना अजीब हो जाता है और सुबह ठीक रहती है, पर हुआ क्या है इसे? पता करना पड़ेगा कैसे भी। अगली रात राघव सोता नहीं है और जैसे ही सोनी उठकर बाहर जाने लगती है, राघव भी चुपचाप उसकी जासूसी करने लगता है। वो देखता है कि सोनी ने एक लड्डू बाहर रखा जिसे चुड़ैल ने आधा खाया और आधा सोनी को खाने को दिया। फिर वो चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगी। पीछा करने पर उसने पाया कि सोनी भी एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और दूसरे मोहल्ले में लड्डू मांगने वाली कोई और नहीं, सोनी चुड़ैल ही है। वो देखता है कि सोनी चुड़ैल घर घर लड्डू मांग रही है और जो भी लड्डू देने आती हैं औरतें उनको आधा लड्डू खिलाकर वश में कर ले रही है और एक सुनसान जगह पर जाकर वो उन औरतों को लड्डू में बदल देती है। चुड़ैल उन औरतों से बने लड्डू को एक थैले में भर कर रखती जा रही थी और फिर सोनी अपने इंसानी रूप में आके घर वापस आने लगती है। राघव जल्दी से घर आकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। आज उसने सच का पता तो लगा लिया था पर सच इतना भयानक था कि उसकी नींद ही उड़ गई थी।